भाई रोलिंग है। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुश आमदीद आपको कैरावैन पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 3 में। और पहले दो एपिसोड्स की तरह भी आज हमारे मेहमान वही के वही हैं, फयाज आशिक मिशाल। लेकिन आज का जो मौजू है ये बड़ा संजीदा है, और वो ये है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और इंसान के लिए जीना जो है वो बहुत महंगा साबित हो रहा है। अब तो सुना है कि मौत भी काफ़ी महंगी होगी, क्यों फयाज? बिल्कुल, बहुत महंगी होगी ये। आप ये सोचें कि जब इंसान मरता है, हाँ ठीक है, इतने लोग जो है ना दूर से आने वाले बेचारे, उनको तो हम खाना पूछते ही पूछते हैं। जो कोई नज़दीक से भी आता ना, तो वो भी ये नहीं सोचता कि यार चलो मैं नमाज़े जनाजा पढ़ लूँ अपने बड़े की या कोई छोटे की, जिस तरह भी है, तो वो ये नहीं सोचता, वो पहले ही पूछता है कि हाँ भी खाना क्या पका है। ये तो मेहमान है, मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी ना। वो मेहमान नवाजी पहले टाइम पे होता था कि आप किसी की डेथ होती है ऑन द स्पॉट, तो एक दिन बाद जाके खाने की टेंशन पड़ती थी आपको, जिस टाइम मरता उसी टाइम नहीं टेंशन पड़ी थी, ठीक है। अब तो ऐसे सिचुएशन हो गए हैं कि मर भी रहा हो तो पहले वो कहते हैं कि हम खाना खा लें, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। और खाने में क्या है जी, कोल्ड ड्रिंक आ जाती है सबसे पहले। कोल्ड ड्रिंक के बाद सबसे अच्छा हमें सेटअप चाहिए, सेटअप वीआईपी होना चाहिए। अभी मरने वाले को क्या वीआईपी से भाई, वो तो बेचारा मर गया, लेकिन क्या है जी बड़ी फैमिली के। लेकिन जो जिंदा है वो खाएंगे तो सही ना, उनके खाने के लिए तो होना चाहिए ना कुछ। यार मरने वाले को आप ये देखें ना कि हम शादी पे 3 लाख 4 लाख 5 लाख बड़ी जितनी लिमिट होती है उस पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हम मरने पे भी इतना कर रहे होते हैं कि यार 4 लाख 5 लाख इतना ज्यादा हम कर रहे होते हैं कि यार एक बड़ापन दिखाएं, ठीक है। बेचारे अगला बेचारा पता नहीं कितना गरीब होगा या मतलब कितना वो होगा। आगे से ये सिचुएशन हो रही होती है कि यार जैसे कोई हमारे फैमिली में कोई मर जाता है, ठीक है, उस पर आप ये देख लेंगे जी हमने छोटा गोश्त पकाया, मटन पकाया, ठीक है, वो मरे थे तो हमने मटन खाया था, तो ठीक है। उस पर ये सीन होता है कि इनका मर गया है तो अब देखते हैं यार ये क्या पकाते हैं। अब उस पर आप दाल पका लेंगे या कोई हलीम नान कर लेंगे। यानी बंदा शहीद हुआ उससे कोई तलुग जो बकरा शहीद होके पकना है उससे, ठीक है। उस पर ये होता है कि अब पहले होती थी रोटी, हाँ। कि यार बड़ी बड़ी वो लगती थी पट्टी टाइप जिसपे 4-5 औरतें बैठती थी, पता जी किसी की डेथ हो गई है, चलो हम साए इकट्ठे हो जाते हैं, यार चलो पट्टी पे हम रोटियां पका लेते हैं, वही खा लेते हैं, उनकी डेथ होती है वो खा लेते हैं। अब तो रोग नहीं नाम होने चाहिए, मरने वाले मर गए लेकिन एक नाम जो है वो नहीं खराब होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं मैयत और दावत में कोई फर्क नहीं, फर्क नहीं रह गया, वो नहीं रह गया। क्योंकि पहले कोल्ड ड्रिंक भी नहीं होती थी यार, कोल्ड ड्रिंक क्या है, कुछ भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक नाम नहीं होता था, ना कोई कढ़ाई ना कोई कुछ ऐसा ना कुछ, मतलब देखे पकाई चले जी सबको आप सर्व करें। नहीं तो मैं कहीं अफसोस करने जा रहा हूँ तो मैं खाना खा के चला जाऊँ, मुझे क्या पड़ी है इसने पकाया नहीं पकाया। आपने वहीं पे तो थोड़ी रहना है, आपने तो अफसोस इजहार करके चले जाना है। तो फिर खाना कहाँ से आ गया, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। खाने का सीन ये है कि आपके जो दूर से काफ़ी लोग आते हैं रिलेटिव जो रहते हैं, ठीक है, आपको चाहिए कि जो मिले आपको शुक्र करना चाहिए, कि बजाय आप मैयत पे भी लड़के चले जाते हैं यार कि मेरा बाप मरा था तो मैंने इतना कुछ पकाया था, तो इनका मरा था बहनचोदे ने खाली एक दाल पे काम चला दिया, यार ये क्या है, हो जाती है, नो प्रॉब्लम, लीथल टोल्ड यू। अच्छा, यानी जो दूर से आए वो एतराज कर सकता है कि यार तुमने बड़ा गोश्त क्यों नहीं पकाया, जो करीब से आए वो नहीं। बिल्कुल, ये क्या बात है यार, जो अफसोस करने आया अफसोस ही करने आया ना यार। उसमें है कि अगर आपको ज्यादा लग रही है तो से दाल रोटी पकड़ लो यार, तुमने जरूर है वहीं से जाके खाना। एक बेचारे की डेथ हुई है, ऊपर से आप एक्सप्रेशन डालते हैं कि यार खाने का टाइम हो गया, तो आप वही तो कह रहे हैं जो यार शाम हो गई है 9 बज गए अवाम भूखी बैठी हुई, चाहे किसी को भूख ना लगी हो लेकिन कहने वाला पहले पागल हुआ यार अवाम भूखी बैठी हुई। अच्छा, वो फैशन आप बता रहे थे कि बड़े बड़े फैशन आ गए हैं इस तरह से, फैशन देख ले आप कि पैकेज आ रहे हैं, फलाना मौलवी जनाजे के लिए हम प्रोवाइड करेंगे इतने वो डिशें और ये वो पता नहीं क्या। सर इंदे ते ना ही हो जाओ ते सी चंगा है, नहीं जाओ हमें बात जाओ मौलवी फड़न वो बंदा उते चला गया एवी ना जाओ। ये पहली बात यह है कि हमारा जो नया टैलेंट है उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। ये टैलेंट पहले आप कहते किसके, मुझे ये बताए आपने पहले दो एपिसोड में, ये जो नया टैलेंट है ना, टैलेंट ये चीज है मुझे, पहले जमाने में कोई मरता था ना तो लड़कों को पता होता था कि यार मौलवी कब कहाँ से आएंगे, ठीक है, उसको नहलाने वाला बंदा कहाँ से आएगा, ये टैलेंट है नहलाने। और उसके बाद उसका कफन में जितनी चीजें हैं या जो भी करना वो पता होता था। आजकल के बच्चों को क्या पता है, पता है कि नहीं पता, दुकानों पे साफ कब्रिस्तानों के बाहर कहीं भी
किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, आप बच्चे से पूछ लें कि यार जब इंसान मर जाता है तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, उसे पता ही नहीं होगा। उससे आप पूछेंगे ना कि डिश में क्या पका है, वो आपको सब बता देगा कि आज खाने में क्या है मजीद। तो उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जिसने बताया, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो पैकेज निकालता है, कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी सर्विसेज, मंजा, मौलवी, गुसल, कफन, फूल, सब कुछ, लेकिन वो भी एक एक्सपेंस पे आ जाता है। तो आप यहाँ तक इवन कि आप कब्रिस्तान जाते हैं, यार आपसे पहले पैसे लेते हैं, मैं जो यहाँ पे बंदे दफनाना ना, पहले कब्र के पैसे दो। आप ये सोच रहे हैं, एक चलो आम बंदा यार 2000 खर्च लेगा, 3000 खर्च लेगा, यानी वो 5000 खर्च लेगा, लेकिन अब इतना टैलेंट आ गया कि आप ये सोचें कि आपने एक हाई प्रोफाइल में करना है तो आपको यार 50,000 लाख रुपया आपको एक कब्र पे चाहिए। नहीं, मुझे बताएं एक बंदा मर गया, प्रोफाइल का तुक क्या बन रहा है, उसको दफनाओ, खत्म करो। दफनाने से पहली टेंशन है कि जी आपने दफनाना कहाँ पे, ठीक है। अगर आपको जमीन मिल जाती है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जी आप कब्रिस्तान वाले नाजम के पास जाएं, उससे पर्ची लेके आए, पर्ची के बाद उसकी कब्र की पेमेंट दें, यार सबसे बड़ा इशू जो है। तो किसी की जमीन है ना, आपकी अपनी थोड़ी, आप घर के नीचे, जबकि आपने भी उसी जमीन के अंदर दफन होना है, तो आप किस जमीन की पेमेंट ले रहे हो? तो जिस जमीन पे आपका घर बना हुआ है उसकी भी तो पेमेंट आपने दी थी, तो आपकी प्रॉपर्टी है ना। नहीं, वो तो एक अलग है, लेकिन कब्रिस्तान एक सेपरेट चीज है, उसमें आपकी कोई वो नहीं है कि आप इस जमीन के पैसे ले। अगर आप जमीन के पैसे लेते हैं तो आप और कब्रिस्तान साथ बनाए, तो फिर वो भी गलत है। अगर ये जो पैकेज वाला बिजनेस वाला फैशन आ रहा है वो गलत फैशन है ना। आजकल लोग शादी में यहाँ पे इतनी टेंशन है जितनी मरने पे। शादी में तो लड़की लेके अपने घर चले जाओ, चलो जी खत्म। अब मरण वाले की टेंशन है कि जी पहले उसकी कब्र का नक्शा बनाओ, फिर कब्र खोदने वाला ढूंढाओ। नक्शा कौन बनाता कब्र का? यार नक्शे वाली बात है ना, कि आप एक कब्र खोदते हो, आपको क्या पता कितना लंबा बंदा है। तो आप छोटी कब्र खोदते हो तो बड़ा वो आदमी, तो क्या करोगे, मैयत को बाहर रख के आप पूरा साइज लोगे कि यार इतनी लंबी कब्र बनानी है। ठीक, आप ये भी तो देखें, आपने जितनी जमीन लेनी है पहले आपको नापेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे कि यार इतने पैसे आपके बनते हैं, तो पहले सिविल इंजीनियर आप स्टैंडर्ड में चले जाएंगे तो आपको कम से कम 50,000 रुपए ठुके, 50,000 की आपको जमीन मिलेगी, उसके बाद कफन दफन तो अलग की बात है। यानी मैं मरूं तो मैं कोई आर्किटेक्ट हायर करके मरूं, वो अच्छी सी डिजाइन करके। सर आपको पता, आप बाहर निकले, आप किसी भी कब्रिस्तान में चले जाए, उनसे कहें मेरा ये फौत हो गया, मुझे कब्र बनानी है यहाँ पे। पहले टाइम पे कोई पूछता नहीं था कि यार ये एक कब्रिस्तान बना होता था, आपको पता था कि यार ये यहाँ का है या यहाँ का है, आप दफना सकते हैं, कोई एक्सपेंस नहीं है। अब डिजाइन देते हैं पूरा, अब पूरा वो एक एक्सपेंस होता है वहाँ पे। अब पर्ची होगी, पहले पर्ची वाले बंदे को ढूंढो जी, एक बंदा सारा दिन पर्ची पे लगा रहेगा कब्रिस्तान के, उसकी जमा में खरीदो फरोख्त में लगा रहेगा, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कहेंगे सॉरी यहाँ पे ना दफनाए। तो फिर क्या करें, दफनाए किधर? बंदा मर गया बेचारा, उसको दफनाना है किधर, दफनाए? इस चीज पे जिस तरह आप 9 to 5 मतलब आपने एक रूल किया है कि जी 10 बजे से ऊपर इवेंट्स नहीं होना चाहिए, ठीक, 10 बजे के बाद बंदे ही ना मरे। नहीं नहीं सुन लेना, अच्छा आपको भी इतना होना चाहिए, अगर किसी की डेथ होती है ना तो इतना वो नहीं होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक या ये सेटअप या इस तरह वो नहीं होना चाहिए, भूखे नहीं होना चाहिए, भूखा नहीं होना चाहिए, कांच से बाहर मुफ्त का मिल रहा है तो पार्टी मतलब। वो बाद में कहते हैं जी मरने वाला तो मर गया लेकिन साढ़े से खाना चंगा कर। हाँ वही ना कहते, फूफा चले गए पुलाव बड़ा लजीज, पुलाव बड़ा लजीज बात। वो आजकल तो वैसे ही मुंह पे कह देते हैं यार कदों तेरे अब्बे ने मरना, भूख बड़ी लगी खत्म। इसी के साथ एपिसोड खत्म करते हैं, नहीं तो पता नहीं मैं बैठे बैठे फौत हो जाऊंगा और या इनका गला दबा दूंगा। इसलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, और फयाज भी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह ही हाफिज़।